तो दोस्तों पारगट नहीं मिल रहा है, शायद मैप से गायब हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज संडे है और सुबह के बज रहे 6:38 और संडे को घर में रहना होता है मना। तो आज हम जा रहे हैं पारगढ़। अभी यहाँ से सीधा जाएंगे रोहित भाई के घर, उनको पिक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा। पैकिंग तो कुछ करना नहीं है क्योंकि 12-1 बजे तक वापस आने का प्लान है। डिहाइड्रेशन बैग हमने ले लिया है आज, ये वाला आप देख सकते हो। तो पेट्रोल भी कल मैंने भर दिया था, टैंक फुल कर दी थी कल दोपहर को ही। कल रात सडन प्लान बन गया था जाने का, तो देखते हैं आज क्या होता है, क्या क्या होता है व्लॉग में। तो चले फिर निकलते हैं राइड के लिए। गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों पारगढ़ नहीं मिल रहा है, शायद मैप से गायब हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमें पारगढ़ दिख गए। हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे आते वक्त क्योंकि पारगढ़ हमें दिख नहीं रहा था,
हमें लगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन फाइनली आगे आते 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 हमें फाइनली पारगढ़ दिख गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पारगढ़ को, तो करीब अभी 2 किलोमीटर हमें आगे जाना पड़ेगा। तो नज़ारा बहुत ही सुंदर है यहाँ का, फर्स्ट टाइम हाँ यहाँ पे हम आए, आना तो बहुत दिन से चाहते थे लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो रहा था आने के लिए। फाइनली आज संडे है और हम आज थोड़ा खाली भी थे तो आ गए। जाना है 11 बजे तक वापस, लेकिन नज़ारा देख के तो लगता नहीं कि वापस जा पाएंगे इतने जल्दी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और सही टाइम पे भी पहुँचे ऑलमोस्ट, तो व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है। थोड़ा और जल्दी आ सकते थे तो बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि सनराइज़ देखने को मिलता हमें। क्योंकि ये जो वैली मेरे सामने मैं देख रहा हूँ अभी, तो बहुत ही सुंदर है, वहाँ से सनराइज़ देखना बहुत ही सुंदर होता। तो थोड़ा गलत टाइम पे आ सकते कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये नज़ारा भी कुछ मतलब बुरा नहीं है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो वो हमारी प्यारी एंटा से हम आए आज, और करीब 65 किलोमीटर हमें मैप पे दिखा रहा था बेलगाम से, लेकिन थोड़ा उससे ज़्यादा ही है मेरे को लगता है। और रोड बहुत ही सुंदर है राइड करने के लिए, तो कॉर्नरिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई आज। डबल सीट था तो ज़्यादा हमने कॉर्नरिंग नहीं की, लीन थोड़ा भी नहीं हुए, मतलब हुए थोड़ा, लेकिन लेन के हिसाब से लीन होना ज़रूरी है, नहीं तो गिर सकते थे। तो चले फिर चलते हैं आगे मार्केट की तरफ। फाइनली पहुंच गए पारगढ़, और यहाँ पे देख रहे हैं हमें ढेर सारे स्टेप्स, और रोहित भाई की फट गए स्टेप्स देख के। तो ये देखिए कैसा नज़ारा है, चढ़ के हमें ऊपर जाना है अभी आगे। भूख बहुत लगी है, सुबह से हमने खाया नहीं है कुछ, और ये स्टेप्स टपक पड़े हैं यहाँ, तो देखते हैं। वाह तो भाई 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 गलत एक गलत कदम खड्डा करते और पूरी सल्तनत खत्म। सल्तनत तो राइड करने में आज बहुत ही मजा आया, थोड़ा डॉली इफेक्ट आया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी भी कुछ खाया नहीं है, और खाने को हमें लगा कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन सब कुछ बंद है यहाँ पे, कुछ नहीं है खाने के लिए, तो वापस चल के ही खाएंगे। ओ तुमची फ्रेम मध्ये आले हो उडायकडे चलो ए
चार स्टेप चढ़े नहीं कि थक गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पीछे, लेकिन ये स्टेप्स चढ़ते चढ़ते फट रही है अच्छी वाली। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, देखते हैं आगे कुछ और क्या क्या मिलता है। तो बहुत काम की चीज़ यहाँ पे हमारे ये डिहाइड्रेशन बैग काम में आ रहा है। पानी तो पानी मिल रहा है, वो नहीं रहे मिलता रहता वो नहीं रहता तो शायद पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग इतने आलसी है कि बॉटल्स तो कैरी नहीं कर सकते। आगे ऊपर यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और मेरे पीछे पारगढ़ गांव। नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। और ऊपर और ढेर सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे। और एक बात इस जगह की अच्छी लगी कि आज संडे हो के भी यहाँ बहुत क्राउड नहीं है, क्राउडेड प्लेस नहीं है। बेलगाम में आजकल यही हो रहा है संडे दी का कि लोग कूद पड़े एक ही लोकेशन पे। आप तो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है कि बेलगाम में सबसे क्राउडेड प्लेस आजकल कितवाड़ चल रही है बहुत ही मज़े में। वैसे वो भी डैम खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत डैम बनाया लोगों ने और बेलगाम के बहुत ही नज़दीक है तो लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ पे। हमने अभी विज़िट नहीं किया है वहाँ पे, देखेंगे थोड़ी सी क्राउड कम होने दो फिर निकलेंगे वहाँ पे भी। कोविड का सीज़न भी चल रहा है तो वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है। वैसे तो बेलगाम में कोविड के पेशेंट्स कम हैं, फिर भी रिस्क क्यों लेना है, कितवाड़ कहाँ भाग जा रहा है ये कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है ऊपर, देख सकते हैं, रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, छोटा सा दुकान है, वहाँ खाने मिल सकता है शायद, देखेंगे आगे मिलेगा या नहीं। थोड़ा घूम के आते हैं उसके बाद ट्राई करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने पे। एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है और ऊपर यहाँ पे आप कार, अपनी खुद की कार है तो कार लेके आ सकते हैं, बाइक लेके ऊपर तक आ सकते हैं। जो स्टेप्स जो हमने अभी चढ़े उसकी ज़रूरत नहीं है चढ़ने के लिए, ये मेरे पीछे ही आप रोड देख सकते हैं कार और बाइक्स के लिए। और छोटा सा गांव भी यहाँ बसा हुआ है तो ज़रूर आप विज़िट करना है इसको। नो प्लास्टिक जोन है तो अगर आप आए तो प्लास्टिक वगैरह मत फेंकना यहाँ पे। और यहाँ खाने आपको वैसे कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं मिला है, आप शायद आएंगे तो आपको मिल भी सकता है। तो कुछ आप खाने को ले कर आ रहे हो तो आपका प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो आप खुद वापस ले कर जाइए, मत फेंके यहाँ पे कचरा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून, अगला स्पॉट जल्दी जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम
अपडेट हो सके, उनको मालूम पड़े कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए हमारे वीडियोस में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इकड़े शेमड्या पोरा रे, बघू नको तिकडे, इकडे बघ सांगतो, चल जातो आम्ही, टाटा, पडशील खाली।